पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इयान बेंटन में दिखाया गया एक ऐसा करेक्टर जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और आज तक फैंस ये बात नहीं जान पाए हैं कि आखिर इयान एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बैन कैसे है। और गाइस इयान को हम लोग जैसा समझते हैं इयान उससे बिल्कुल ही उल्टा है, तो एंड तक वीडियो को देखना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो इयान आखिर एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बैन कैसे है, मैं आपको ये चीज कंप्लीट समझा देता हूँ। देखो इयान को भी ओमनीट्रिक्स मिला था, जैसे कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन में दूसरे बैंस को ओमनीट्रिक्स मिला है, उसी तरह से जो हमारा इयान था उसको भी ओमनीट्रिक्स मिला। पर गाइस ओमनीट्रिक्स में एक ऐसा एलियन था जिस एलियन का नाम था क्रोनियन, और गाइस इयान जो है वो ज्यादातर इसी एलियन का यूज करता था। आपको पता है कि बैन 10 ओमनीवर्स में जो छोटा वाला बैन था उसको फीडबैक बहुत ज़्यादा पसंद था, वो बार बार फीडबैक में ही ट्रांसफॉर्म होता था, तो उसी तरह से जो इयान है उसको क्रोनियन में ट्रांसफॉर्म होना बहुत ही अच्छा लगता था। और क्रोनियन जो एलियन स्पीसीज थी वह टाइम ट्रेवल को यूज़ करती थी, तो यहाँ पर इयान को बहुत ज़्यादा पसंद था वह एलियन। तो एक टाइम क्या हुआ, वह एलियन जो है वह इयान के ऊपर हावी हो गया और इयान अपने आप को भूल चुका था, क्योंकि वह जो एलियन है वह पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है इयान को। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, इयान का जो ओमनीट्रिक्स है वह अगर किसी कारण जो है वह ख़राब हो जाता है, तो वहां पर इयान क्या करता है, इयान उसी ओमनीट्रिक्स को एक ऐसा मशीन बना देता है जिससे कि वह टाइम ट्रेवलर कर सके। इसीलिए गाइस इयान जो है वह हमारा बन जाता है एक इंटर डायमेंशनल टाइम ट्रेवलर, जो कि टाइम में कहीं भी जा सकता है या फिर टाइम में किसी को भी ले आ सकता है। इयान का गाइस हिस्ट्री बहुत ज्यादा अलग है। देखो इयान जो है वो अच्छा था पर उस एलियन ने उसको बुरा बना दिया। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इयान सिर्फ इतना चाहता है कि वह हमेशा जवान रहे, उसके अंदर एनर्जी रहे, पर गाइस वह जब टाइम ट्रैवलर करता है तो उसका जो एज है वो बढ़ता है, तो इसमें उसका जो सूट है और यहाँ तक का जो उसका हेलमेट है वह बहुत ज़्यादा मदद करता है इयान की, ताकि इयान का जो एज है वो ज़्यादा ना बढ़े। इयान जो है वो बाकी के बैंस को मिटाना चाहता है, ताकि इयान जो है वो मात्र एक ऐसा बैन बन सके जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और गाइस इयान का हमें एक मूवी भी देखने को मिला था जहाँ पर हमें ये सब कुछ बताया गया था। और गाइस हमें अल्टीमेट बैन 10,000 के एपिसोड में भी इयान देखने को मिला था, तो वहाँ पर इयान कैसे पहुँचा ये मैं आपको बताता हूँ। अल्टीमेट बैन 10,000 एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा कि जब ग्वेन एंड केविन जो है वो सारे के सारे हेलमेट्स को उतार देते हैं, तो हमें वहाँ पर बैन का शक्ल देखने को मिलता है। उसके बाद इयान जब अपना फेस को दिखाता है तो वहाँ पर हमें बैन 10,000 जैसा उसका जो शक्ल है वो देखने को मिलता है। तो इयान सिर्फ यही चाहता है कि वो सारे के सारे बैंस को एब्जॉर्ब कर ले। पर गाइस जब इयान पहुंचा अल्टीमेट बैन 10,000 के टाइमलाइन में, तो उस टाइमलाइन का जो बैन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने अकेले ही सारे के सारे गार्ड्स को मारा था। तो हम सभी को ये चीज़ पता है कि वो बैन को हराना इतना आसान नहीं था, इसीलिए गाइस इयान ने उसके पैरेलल वर्ल्ड में यानी कि हमारा जो प्राइम टाइमलाइन वाला बैन था उसके टाइमलाइन में छेड़छाड़ किया और हमें ये सब कुछ देखने को मिला। उसके बाद हमें इयान जो है वो ओमनीवर्स में देखने को मिला, जहाँ पर वो कभी विलगेक्स के साथ कभी मेल्ट्रेंट के साथ हुए दिखा। और गाइस इयान को उस तरह से पावरफुल हमें नहीं दिखाया गया ओमनीवर्स में जिस तरह से पीछे के एपिसोड्स में दिखाया गया, पर गाइस किसी कारण से इयान जो है वो टाइम में धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। तो इयान को ये समझ में आया कि अगर वो प्रोफेसर का एक कटा हुआ हाथ ले ले, जिसका गाइस नाम जो है वो क्रोनो नेविगेटर था, अगर वह ले लेता इयान तो इयान और ज़्यादा पावरफुल हो जाता। पर हम सभी को पता है कि बैन ने वहाँ पर रोका और पैराडॉक्स ने बाद में सब कुछ सही कर दिया। आप लोगों ने गाइस बैन 10 में एक मशीन देखा होगा जो कि इयान बहुत ज़्यादा बार यूज़ करता है, और उस मशीन को अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसका नाम है हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन। तो ये जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है इयान को दूसरे टाइमलाइन से कुछ भी लाने में, या फिर इयान को बहुत जल्दी टेलीपोर्ट करने में। अगर गाइस मैं आपको इयान के पावर्स एंड एबिलिटीज बताऊं, तो एक उसके पास है टाइम एनर्जी बीम, जिससे कि वह किसी को भी बूढ़ा या फिर किसी को भी जवान कर सकता है। इसके अलावा गाइस एक बहुत ही डेंजर पावर है इयान के पास, जो कि है एस्केलेरेटेड टाइम रे, जिससे कि वह किसी को भी मिटा सकता है। अल्टीमेट बैन 10,000 एपिसोड में हमें ये देखने को मिला था कि वे बिग सुवम फायर एंड अल्टीमेट सुवम फायर को उस रे की मदद से इयान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा गाइस इयान जो है वह पोर्टल खोल सकता है,
इसके अलावा इओन एनर्जी शॉक वेव्स ला सकता है, एनर्जी का एक स्क्वाड बना सकता है। और गाइस अगर आपको ये देखना है कि इओन का टूटा हुआ ओमनीट्रिक्स अभी कहाँ है, तो उसी को वह जो मशीन बना लिया था वो अपने हैंड में पहनता है, अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ अगर मैं आपको वीकनेस बताऊं तो इओन का जो रे है अगर वह रिवर्स कर दिया जाए तो इओन उससे बहुत ज़्यादा डैमेज उसको पहुँच सकता है। तो कुल मिला के इओन एक इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर है, अगर मैं आपको पूरा बताने जाऊं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आपको बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो ओमनीवर्स में इओन को भद्दा कर दिया गया, इओन हम सभी को पता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला पास्ट एपिसोड्स में, पर ओमनीवर्स में इओन को एकदम भद्दा कर दिया गया, ना कोई उसके पास पावर है, विलगिक्स उसको अपने हैंड में लेके फेंक दे रहा है, तो ये सब चीज़ें फैंस को पसंद नहीं आया इओन में। नहीं तो इओन भी वन ऑफ द बेस्ट विलन हम लोग बोल सकते हैं बेन 10 का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इओन पसंद है कि नहीं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। Because honestly, as a Punjabi, मुझे अपने मुंह में कुछ नहीं डालना जो टेस्टी नहीं है। It's as simple as that.